कभी कभी बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता ना पाने के कारण मन उदास हो जाता है, हम जीवन में निराश बैठ जाते हैं, कोई भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता है। हमें हमारा लक्ष्य जब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, हम टूट जाते हैं, हम किसी काबिल नहीं रह जाते, ऐसा मन हार जाता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हार नहीं मानना है, अपना प्रयास जारी रखना है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जिस तरह किसी वृक्ष को देखिए आप, वह भी कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, वह अपने पत्तों को अपने पुष्पों को बदल देता है पर जड़ों को कभी नहीं बदलता, वह उस पर अडिग रहता है और पतझड़ के जाते ही फिर से वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसी तरह आप अपने जीवन में भी निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी न किसी मार्ग से जब आप पहुंचोगे तो देखना, आप जानोगे कि आपकी सफलता आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। स्वप्न हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी इंसान खुली आँखों से स्वप्न देखते हैं और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि जो बंद आँखों से भी देखते हैं। कुछ स्वप्न छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। इस स्वप्न से जुड़ी होती है आपकी सफलता। अब आपको एक बात समझा दूं, एक तरफ है स्वप्न और एक तरफ है आपकी सफलता, और उन दोनों के बीच की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, और जितनी बड़ी कठिनाइयाँ होंगी उतनी ही बड़ी सफलता। संयम रखिए आप मन में, ऊंची उड़ान भरने के लिए एक बाज को ऊपर मेघों से भी ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है, तो संयम रखिए। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए, डरिए मत। आप जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतनी सफलता आपके जीवन में आएगी। यह कठिनाइयाँ हमारे जीवन में ना आए तो इंसान कभी भी आगे ना बढ़े। इन कठिनाइयों से हमें एक सबक मिलता है, एक सफलता का रास्ता मिलता है। तो यदि आपको अपना लक्ष्य पाना है तो इन कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ते रहिए, देखना एक दिन आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ओम साई राम, ओम साई राम, सबका मालिक एक है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई।